गंदगी भी अंदर जाए। रुको आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से रखो। रेडी कर लिया है और अपने हर गेट के लिए मैंने तोरण बना लिया है। लास्ट रह गया था तो ये मेरा बनके रेडी हो गया है तोरण। अब थोड़ा सा DIY रह गया है, ये जो मैंने सब रेडी करके रखा है अब इनको जो है मैं यूज़ करूँगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 4 घंटी मैं लगा रही हूँ और यहाँ पे सुख लाव एंड स्वास्तिक और इस तरीके से कलर्स, वो जो मैं लेके आई थी स्टिकर, इस तरीके से मैंने यूज़ कर लिया है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, मैं अभी आपको हैंग करके भी दिखाऊंगी। नमस्ते, खम्मा घड़ी सा, राम राम सा। तो कैसे आप सभी, आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गुड आफ्टरनून के साथ आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है स्टाइलिश विशाली। स्टाइलिश विशाली में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आप सभी की दोस्त होस्ट शालिनी। सो गाइस, अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और मेरे घर के सारे 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 काम निपट गए हैं। साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े सब हो गए हैं और अब मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए, निशवान को लेने के लिए। और वापस आके मैं कुछ छोटे मोटी चीज़ें जो है कंप्लीट करूँगी और मेरे जो मेन डोर का तोरण था वो रेडी हो चुका है। आप लोगों ने, मैंने अभी छोटी सी वीडियो क्लिप यहाँ पे लगा दी थी तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो आई होप सो कि मेरा जितनी भी चीज़ें इस बार दिवाली की थी सब 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 मैंने घर पर रेडी किया है। कुछ भी मैंने बाहर से परचेज नहीं किया है सिवाय मटेरियल के, जो कि ग्राफ्ट के मटेरियल होते हैं वो भी छोटे मोटे चुटपुट मटेरियल मैंने बाय किया है। बाकी सब चीज़ें जो है मैंने घर पे ही बनाया है। और बस एक ये जो होल्डर है ये मैंने ख़रीदा है, जो ऑनेस्ट है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाकी सब आपको सब पता है कि सारे DIY है। ये वाला तोरण भी DIY है, मेन गेट का तोरण DIY है, दोनों गेट के तोरण जो है DIY है, सब DIY है। टोटली जितने भी मैंने चारों पांचों डोर के लिए तोरण बनाया सब घर पे रेडी किया है और बहुत सुंदर लग रहा है सच में। मार्केट में अगर मैं ये सारे तोरण खरीदने जाती ना तो मेरा 2-3 हज़ार रुपये तो तोरण तोरण में ही चला जाता। अगर एक तोरण भी 500 रुपये का मिल रहा तो मेरे 2-4-6 डोर है, तो 6 डोर के लिए तो आप सोच ही सकते हो कि 3 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गए थे।
तो सबसे सुंदर तो मेरे को ये वाला लगता है, और जो मैंने मेन डोर के लिए बनाया है वो भी बहुत सुंदर लगता है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे जो डेकोरेशन है घर का दिवाली पर्पस, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं आप लोगों के कमेंट जानना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है मेरे DIY मेरे डेकोरेशन, तो कमेंट में प्लीज़ लिखना NICE नाइस, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी आप लोगों का ये एक छोटा सा वर्ड नाइस सुन के। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और काम करने का और ऐसे ही मेहनत करने का। तो घर के सारे काम निपट गए हैं, चलिए मैं दिखाती हूँ। अभी मैं वापस आके दो चीज़ें करने वाली हूँ जिसे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फर्स्ट मैं इसे वॉश करके जा रही हूँ, अभी वापस आके इसे मैं पेंट करूँगी। अभी टाइम है, मैं इसको वाइट पेंट करके जा रही हूँ ताकि ये सूख जाएगा। सेकेंड जो है ये एक मिट्टी का नहीं है, लोहा है, ये लोहा लोहे पे बना हुआ ये गणपति जी है और बहुत साल पुराना ये गणपति जी है। ये देखिए मिट्टी नहीं है, ये गिर जाए तो भी नहीं टूटने वाला है। तो ये मुझे इसका ये जो डिज़ाइन है ना ये बहुत पसंद है, लेकिन गणपति जी सिर्फ वैसे गोल्डन कलर के हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इनमें एक छोटा सा कलर दे दिया जाए ताकि ये थोड़ा सा खिल कर आ जाए दिवाली पर्पज से। हम छोटी छोटी चीज़ों को रीयूज भी कर सकते हैं, कलर पेंट के ज़रिए जो है काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने घर को सजा सकते हैं। और रात को जो है मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलके एक छोटा सा डेकोरेशन किया है जो कि मैं आपको तो उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बाकी डेकोरेशन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तोरण मेरे सारे देख ही लिए हैं, कितने सुंदर सुंदर मैंने तोरण बनाए, कितने सुंदर सुंदर मैंने DIY बनाए, कितने सुंदर सुंदर मैंने टी लाइट होल्डर बनाए हैं। घर के एक एक कोने को मैंने बहुत ही प्यार से सजाया है, बहुत मेहनत से सजाया है, साफ़ सफाई से लेके घर को चमकाने से लेके घर को सजाने संवारने से लेके मैंने सब कुछ अकेले मैनेज किया है। हर बार की तरह इस बार भी हस्बैंड के छोटे मोटे सपोर्ट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट तक होते हैं, इससे ज़्यादा सपोर्ट उनका नहीं होता है मेरे लिए। और प्लस मुझे घर भी देखना होता है, खाना भी देखना होता है, निशु को स्कूल से लाना भी होता है, और अपने आप को भी सजा सवार के रखना होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं एक चीज़ कर रही हूँ तो दूसरी चीज़ से मैं पीछे हट जाऊँ। मेरे को हर चीज़ परफेक्ट चलना होता है। और सबसे अच्छी बात आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैंने अपने बालकनी का जो है मेकओवर कर दिया है, और इतना सुंदर मेकओवर मैंने अपने बालकनी का भी किया है, और जो एंट्रेंस डोर है ना उसके बाहर भी मैंने बहुत सुंदर मेकओवर किया है, वो भी छोटी छोटी चीज़ों से, कबाड़ से जुगाड़ कर करके। और बहुत सस्ते ना के बराबर, जीरो कॉस्ट के बराबर जो है मैंने DIY किए हैं, घर को सजाया है, सवारा इंटरेस्ट जो हो, चाहे वो मेरा बालकनी हो, चाहे वो मेरा बेडरूम हो, चाहे वो मेरा लिविंग रूम हो, सबको मैंने बहुत प्यार से छोटी छोटी चीज़ों से मैंने सजाया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी जो सजावट है, डेकोरेशन है, मेरे जो आइडियाज़ हैं वो आप लोगों को पसंद आते हैं। और चलिए अब मैं लेके आती हूँ, और बाकी चीज़ें तो आप लोगों ने देख ही लिया है। लिविंग रूम मेरा अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा दिखता है, बहुत साफ़ सुथरा आपको दिखेगा, एकदम चमकता हुआ दिखेगा, एक एक कमरा, एक एक किचन, घर सब आपको एकदम चमकता हुआ दिखेगा। अभी मैं वापस आके मैंने नया बेडशीट भी मंगा लिया है, तो मैं नया बेडशीट जो है कल मॉर्निंग में बिछा दूंगी, क्योंकि कल है धनतेरस, तो धनतेरस के दिन मैं अपने बेड पर नया बेडशीट बिछा दूंगी और बाकी जगहों पर भी कर दूंगे। घर पूरा सेटअप है, रेडी है, बहुत प्यारा सा वाइब्स आता है, पॉजिटिव वाइब्स आता है जब आपका घर सजा सवरा हो, साफ़ सुथरा हो, घर चाहे आपका अपना हो चाहे किराए का हो, जब वो सजा सवरा होता है तो आपको खुद को उसमें रहने का अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हम घर को सजा रहे हैं तो किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, नहीं, मैं अपने घर को इसलिए सजाती हूँ क्योंकि मुझे इससे ना बहुत खुशी मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, जितनी भी बुरी नेगेटिविटी होती है वो चली जाती है। और कहते हैं कि दिवाली जो है लक्ष्मी जी का वास होता है, साफ़ सफाई, जहाँ जिस घर में साफ़ सफाई होती है और स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। और पूरे साल में एक बार जो है दिवाली के दिन लक्ष्मी माता स्वयं धरती पे आके भ्रमण करती हैं, ऐसा मैंने सुना है और ये सच भी है। तो इस वजह से आप अपने घर को जितना साफ़ सुथरा पॉजिटिव वाइब्स रखेंगे, लक्ष्मी मैया आपके घर पे वास करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से दिवाली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं,
और इसी के साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ। दिवाली के दिन सुबह 4 बजे ग्रहण लग रहा है, जो कि बहुत बुरा असर छोड़ के जाने वाला ग्रहण है। ये ग्रहण बहुत सालों बाद पता नहीं कुछ नक्षत्रों से होके हो रहा है, और ये ग्रहण जो है कुछ राशियों पे बहुत बुरा असर भी छोड़कर जाएगा। जहाँ तक मैंने सर्च किया है, मुझे पता चला है, दिवाली के सुबह के 4 बजे ग्रहण लगेगा। रात का कुछ भी खाना पीना है तो उसको बिल्कुल भी घर में मत रखिए। अगर जैसे छोटे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट है तो आप एक दिन पहले ही रात को ही तुलसी के पत्ते, जो कुछ भी है दूध में, आप तुलसी के पत्ते डाल के रखिए। और कोशिश करिए कि जब तक ग्रहण है कुछ भी आप काटा पीटी ना करें, कुछ खाए ना, कुछ पिए ना। वैसे आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है, लोग नहीं सर्वाइव कर सकते हैं बिना खाए पिए। तो आप जो चीज़ भी यूज़ करें उसमें तुलसी का जो है पत्ता यूज़ करें। इससे आप जो ग्रहण का जो कुछ चीज़ें होती है वो थोड़ा कम हो जाएगी। डैट्स इट गाइज, और मुझे आप लोगों को ये जानकारी देनी थी। और इन सब चीज़ों का मैं नॉलेज बहुत ज़्यादा रखती हूँ, ग्रहण हो गया, ये सब हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी बता दिया जाए, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए, ताकि आप लोग अगर इस बात से अनजान है तो थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि सुबह के 4 बजे दिवाली के दिन ग्रहण लग रहा है। ठीक है, तो चलिए बेटे को लेके आते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय। चलिए आपको दिखाते हैं हम क्या क्या लेकर आए हैं। तो यहाँ पे है गोलगप्पे, समोसे, कुरकुरे और दो करते हैं आज का गोलगप्पे, पानी पूरी। क्यों खाते हो चोरी चोरी? यहाँ पे लगाएंगे हम कैमरा और गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं अपने वीडियो का एंड करना भूल गई क्योंकि मैं सो गई थी, और मेरे गालों पे देखिए निशान से पता पड़ ही रहा होगा, ऐसी नींद आई ना मेरे को, मैं क्या ही बोलूँ। आजकल थक शरीर जो है ना बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ मैं। तो अभी मैंने चाय बनाई है और निशवान अपना होमवर्क कर रहा है, और 7:45 बज रहे हैं और मैं 6:30 बजे उठी हूँ, और मैंने हाथ वगैरह धो के दिया बत्ती कर ली है मैंने शाम की, और सोच रही इस वीडियो का यहीं एंड कर दूं क्योंकि वीडियो आगे कंटिन्यू करने के लिए कुछ है नहीं यार। तो चलिए अभी इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं। आई होप सो कि आप लोग को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से वीलॉग वीडियोस में। अभी के लिए बाय 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 गाइस।